खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल, सांसी गैंग के 7 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद भी 9 साल से फरार एक सदस्य को जीआरपी भोपाल ने हरियाणा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। इसके खिलाफ 15 से ज्यादा कोर्ट से वारंट निकले हुए थे। पिछले 9 साल से जीआरपी भोपाल और इटारसी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल थी। टीम ने हरियाणा के सांसी गैंग के सदस्य वारंटी वेदा काश निवासी ग्राम धमतान साहिब बाना गही जिला चिन्ह हरियाणा स्थानीय पुलिस की मदद से पकड़ने में सफलता मिली। हालांकि सांसी गिरोह की महिलाओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन महिला बल ने उनको काबू कर लिया। जहीर खान ने बताया कि इस बार टीम हरियाणा गई तो गुरुद्वारे में रुकी और वहीं 2 दिन रही ताकि आरोपियों को इसकी भनक नहीं लगे। पूरी तस्दीक करने के बाद रेड मारी। बता दें कि पूर्व में जीआरपी ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसमें गिरोह का मुखिया भी शामिल था। इनके पास से लाखों रुपए के आभूषण और नकदी भी मिले हैं। रेलों में जो वारदात करने वाले लोग होते हैं, बेसिकली एक तो वो होते हैं इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल रूप से चोरियां वगैरह करते हैं या जहरखुरानी करते हैं, और कुछ गैंग बनाकर करते हैं। तो ये एक प्रकार से गैंग के साथ, ये गैंग था, सासी गैंग हुआ करती थी ये। आज से 9 साल पहले इन पर मामला स्टार्ट हुआ था, जिसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया था जीआरपी ने। यहाँ भी मामले थे और इसके अलावा इटारसी में भी मामले थे। तो इसमें जो 7 लोग थे, इसमें संदीप इनका लीडर था। ये सारे लोग रहने वाले हरियाणा के, हरियाणा में जिंद एक जगह है, जिंद करके जिला पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो 9 साल से इनकी तलाश चल रही थी। हालांकि उस जब इन पे केस लगे और ये जमानत पर फरार हो गए, तो इनके स्थायी वारंट जारी हुए। कई बार पुलिस की में ये नहीं मिले, तो इनके स्थायी वारंट जारी थे। करीब 15 स्थायी वारंट अभी भी हैं जो इनके जारी थे, जिसमें से 13 वारंट भोपाल में थे, जीआरपी भोपाल में, और 2 वारंट इटारसी के भी थे। बार बार टीम भेजने के बाद भी, चूँकि हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सांसियों का गांव है, जो सांसी गैंग कहलाती है, सांसी जाति के लोग होते हैं और इनके पूरे गांव होते हैं, तो यहाँ जब भी पुलिस जाती है तो उसमें महिलाएं जो है पुलिस पर आक्रामक हो जाती हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से किसी को बुलाना। तो इसी तारतम्य में जितनी बार टीम भेजी गई, वो कई बार खाली हाथी लौट के आई। इस बार लेकिन हमने जो टीम बनाई थी उसमें महिला अधिकारी भी रखी थी साथ में, ताकि इस तरह की परिस्थिति आए तो उससे नियंत्रित किया जा सके। और जो हमने चुनिंदा एक टीम बना के भेजी थी, वो वहाँ पर 2 दिन रही वो टीम, और रैकी करी, स्थानीय पुलिस की भी मदद ली, और उसमें जाकर उनका एक सदस्य जो था, जिसको हमने पकड़ा है, वेद प्रकाश सिंह, जो अभी वर्तमान में 48 साल का है और रहने वाला जिंद हरियाणा का है, इसको हमने पकड़ा है। इसके ऊपर 15 वारंट है और अरेस्ट करके इसको अभी न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। सांसी गैंग का जो मोडस ऑपरेंडी था काम करने का, ये लोग पहले बसों में भी ये काम करते थे। हरियाणा में जो रोडवेज की बसें चलती हैं, उसमें चढ़ के काम करते थे यात्री, उनके सामान की चोरी करते थे। बाद में जब इन्होंने वहाँ से ऑपरेट करना शुरू किया, तो फिर ट्रेनों में आए बसों से, और फिर आके इन्होंने मध्य प्रदेश में जो अपनी ट्रेनें चलती हैं, इनमें ये वारदातें शुरू की। ढेर सारी इन्होंने वारदातें की थी, क्योंकि वारंट से अंदाज़ा आपको लग सकता है कि कितने मामलों में वांछित हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये प्लेटफॉर्म पर नज़र रखते थे किसके पास बैग हैं, जो ट्रॉली बैग होते हैं, बड़े बैग होते हैं, ऐसे लोगों को ये चिन्हित कर लेते थे। फिर जब ये लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ होती है, जैसे जनरल कोच में चढ़ने वाले लोग होते हैं या स्लीपर में कई बार भीड़ भाड़ होती है, तो भीड़ भाड़ में ये भीड़ बनकर चढ़ते थे उसको चारों तरफ से घेरते हुए। ये 7 लोगों का गैंग था, और चढ़ते वक्त जो उनके ट्रॉली बैग हैं उनको ब्लेड से, धारदार चीज़ से काटते थे चेन के पास से, और फिर अंदर हाथ डाल के जो सामान मिलता था वो ले जाते थे। ज़्यादातर त्यौहारों के मौके पर जब लोग चलते हैं तो बैगों में जो आभूषण वगैरह होते हैं वो रखे रहते हैं, तो इसलिए इनके पास जो ये जो चोरी करते थे, तो कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे स्वर्ण आभूषण भी इनके पास से बरामद हुए थे। एक बार जब ये पकड़े गए आज से 9 साल पहले, तो फिर इनकी पूरी की पूरी गैंग ही पकड़ी गई थी, जिसमें गैंग लीडर संदीप जो मैंने आपको बताया वो था। और केसेस तो हमने दर्ज कर दिए, पर केसेस दर्ज होने के बाद होता ये है कि जनरली जब इनकी जमानत हो जाती है तो ये फिर एक बार फरार होते हैं तो वापस अपने गांव में चले जाते हैं, जो उनके सामूहिक गांव रहते हैं, और फिर ये मिलना नामुमकिन जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन इस बार हम सौभाग्यशाली रहे कि हमारी टीम ने जाकर ये इस बार इसको वेद प्रकाश को पकड़ लिया है। एक बड़ी सफलता भी हमारे लिए, 15 स्थापना था मिले। हाँ, ये लोग चूँकि इनमें कोऑर्डिनेशन गैंग में अच्छा इसलिए भी होता है क्योंकि ये जनरली रिश्तेदार होते हैं, चाचा मामा के लड़के होते हैं, तो इसमें भी जो गैंग के सदस्य हैं वो रिश्तेदार ही हैं, ज़्यादातर रिश्तेदार रहते हैं, तो वो एक दूसरे संपर्क में भी हैं। अभी इसको पकड़ा है, एक उसमें से ख़त्म भी हो चुका है। अभी भी 5 लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ना बाकी है, उनकी भी वारंट है हमारे पास, लेकिन वो अलग अलग गाँव में मूव कर गए। हम आगे अभी उनकी डिटेल्स, जो हमने इसको पकड़ा है तो हमें ढेर सारी डिटेल्स और मिली हैं वारंटियों के संबंध में, उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, और बाकी लोगों को भी हम जल्दी पकड़ेंगे। इसमें महिलाओं की भूमिका कुछ सामने आई? महिलाएं बेसिकली गांव जो रहते हैं, सासी गांव, जहां पुलिस जब बढ़ उसमें अंदर जाती है, तो महिलाएं और सभी लोग मिलकर, क्योंकि महिला एक सॉफ्ट टारगेट पुलिस के
सॉफ्ट टारगेट हो जाती है महिलाओं के लिए, तो वो पुलिस को घेर लेते हैं। इस बार भी जब पुलिस गई थी तो महिलाएं काफ़ी इकट्ठी हुई थी, लेकिन पुलिस ने जो हिकमत अमली से इस टाइम पे सर्च किया, उनको इस टाइम पे उठाया है कि ज़्यादा विरोध हो नहीं पाया। पुलिस जो गई शुरू में सीधे जाके थाने में नहीं रुकी, जो संबंधित थाना था, पुलिस ने अपनी पहचान पूरी तरह से छुपाई और वहाँ पास में एक गुरुद्वारा था तो पुलिस गुरुद्वारे में जाके रुकी बिना किसी को बताया कि पुलिस बाहर से आई है, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाता है कि बाहर से पुलिस आई है तो फिर ये गायब हो जाते हैं। तो इस बार हमने ये तरीका अपनाया कि जाके पुलिस गुरुद्वारे में रुकी, वहीं उन्होंने खाना खाया, वहीं रुक के रैकी की, और जब वो श्योर हो गए कि मिलेगा तो बिल्कुल अल सुबह जाके, सुबह सुबह जाके घेराबंदी करके और तब जाके उसको तत्काल उठा लाया। हालांकि सभी महिलाएं इकट्ठी हुई थी, लेकिन चूंकि महिला अधिकारी हमारे साथ में थी तो उन्होंने टैकल कर लिया चीज़ों को, और स्थानीय पुलिस का भी अच्छा सहयोग रहा और फिर उनको हम लेके आ गए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.